प्रसाद जी इस वक्त मुखिया पद के प्रत्याशी। देखा जाए तो ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है, क्योंकि इस पंचायत में इन्होंने यहाँ की जनता के साथ जो निस्वार्थ भाव से अभी तक सेवा किया है, उसी को देखते हुए यहाँ की जनता इन्हें अपना समर्थन दे रही है। और इनके पीछे जो जन सैलाब दिख रहा है, कहीं ना कहीं ये जता रहा है इस पंचायत में कि आने वाले समय में यानी परसों मतदान इनके पक्ष में होगा। तो हम इनसे जानना चाहेंगे, इस बार जो चुनावी मुद्दा में ये आए हुए हैं मुखिया पद से, तो इनका पंचायत को लेके क्या नया सोच है और किस मुद्दे को लेके इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं, इन तमाम बातों पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले ही हम आपको उनसे मिलवाना चाहेंगे। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग इस ग्रामीण इलाके में आकर के और जनता की आवाज़ को और सच्चाई को जानने के लिए और जानने के लिए आप लोग बहुत सतत प्रयास करते हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद है। तो मुखिया जी, ये जो आपके पीछे जन सैलाब दिख रहा है, ये देख के क्या लग रहा है कि इस बार का चुनाव आपके लिए आसान होने वाला है? जी हाँ, बिल्कुल आसान होने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये जो जनता आपके पीछे अगर वोट में तब्दील होती है तो एक तरफा आप चुनाव जीत रहे हैं। हालांकि देखा जाए जितने प्रखंड में चुनाव संपन्न हुए, हर जगह बदलाव का लहर चल रहा है, तो क्या वही बदलाव का लहर खवासपुर पंचायत की जनता में भी है? ये तो मैं तो कहूँगा कि हाँ, जनता बताएगी। जी पूछना पड़ेगा, ये जनता से ही लोग बताएंगे। तो देखा जाए सभी प्रत्याशी अपना मुद्दा लेके जनता के बीच उतरे हैं, तो अगर यहाँ की जनता आपको सत्ता में लाती है तो पंचायत में क्या कुछ कराना चाहेंगे? हालांकि देखा जाए जो कार्य सरकार द्वारा दिए गए वो धरातल पे आज भी नहीं दिख रहे हैं। हाँ, तो यहाँ की जनता आपको सत्ता में लाती है तो क्या कुछ कराना चाहेंगे? पहले तो मेरा अपना एक सोच है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखाग् भवेत्। सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग खुशी रहें, सभी लोग निरोग रहें, सभी लोग समृद्ध रहें। और मेरा जो कार्यकलाप होगा पहले भी रहा है, मेरा प्राथमिकता जो है वो शिक्षा और स्वास्थ्य, और इसमें सभी लोगों के साथ न्याय, यही प्राथमिकता मेरी रहेगी। तो देखा जाए पंचायत चुनाव में कहीं ना कहीं जो सरकार द्वारा आम जनता के लिए कुछ योजनाएं बनाई गई हैं, हमने यहाँ की जनता से ही बात किया, गरीब जनता से, जिनका कहना था कि इंदिरा आवास और राशन कार्ड को लेकर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, करप्शन है, तो इस पे कैसे अंकुश लगाना चाहेंगे अगर यहाँ की जनता आपको सत्ता में लाती है तो? निश्चित ही मैं अंकुश लगाऊंगा इस पर, इसलिए कि मुखिया पंचायत का बनाने से नहीं, वो पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों के तहत मुखिया स्वयं अध्यक्ष हुआ करता है, उसको बनाने की आवश्यकता नहीं है, पंचायत का अध्यक्ष हुआ करता है, तो पंचायत का सर्वोपरि होता है वो जनता के माध्यम से, जनता के द्वारा वोट के माध्यम से, जनता के समर्थन के आधार पर। तो जब अधिकार जब प्राप्त होगा तो उसका सदुपयोग होगा और कर्तव्य का भी पालन होगा। और पहले भी मैं आपसे बता दूं, मैं पहले भी मुखिया रह चुका हूं 2001 से 2006 तक, हमारे समय में 19 शिक्षकों की बहाली हुई है, किसी से एक पैसा घूस नहीं लिया गया, ये जन सैलाब से आप पूछ सकते हैं। 10 आशाओं की बहाली हुई है, उन लोगों से भी एक पैसा घूस नहीं लिया गया। इंदिरा आवास में भी मेरे द्वारा घूस नहीं लिया गया, उस समय घूस नहीं लिया गया, ये लोग सब बतलाएंगे, ये सच्चाई है। और तो आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है जी, और आपके पीछे जो जन सैलाब दिख रहा है और रोड शो में जो निकले हुए हैं, तो इससे पंचायत की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम संदेश दें कि जनता न्याय की जीत करावे, और जनता समझ रही है कि न्याय और अन्याय क्या है। आज तक हमारे पंचायत में जो पंचायत भवन है, परसों भी कुछ लोग आए थे मीडिया वाले, उन बाजारवा पर, उन लोगों से भी हम दिखलाए कि जब पंचायत भवन जो है इसको पंचायती राज व्यवस्था के तहत, ग्राम पंचायत राज न कहा जाता है जी, तो पंचायत इसकी राजधानी होगी, तो पंचायत भवन का ही मरम्मत नहीं हो पाया, जर्जर हो गया है। तो जो अपने राजधानी के भवन का जो मरम्मत नहीं कराया वो क्या कर सकता है? फिर भी हम मुझे जब समय मिला तो मैं उसको बहुत सुंदर और बहुत पुनरुत्थान उसका करूँगा। और ये बात मैं केवल जबानी नहीं कह रहा हूँ, हमारे यहाँ जो कुंवर भवन मध्य विद्यालय चल रहा है वो मैं अपने पिताजी से जमीन रजिस्ट्री कराकर और उस विद्यालय का निर्माण कराया। अभी वहाँ पर कुंवर भवन पुस्तकालय भी चल रहा है, वहीं पर 3 बूथ रहते हैं आज भी हैं, और MP MLA का अभी चुनाव होता है तो वहीं पर रहते हैं। तो पहले से ही मेरा परिचय है कि जनता मैं कुछ करने का हमेशा मैं शौक श्रद्धा रखा हूँ और किया भी हूँ।
तो खवासपुर पंचायत से हम बात करें तो 7 कैंडिडेट सामने हैं मुखिया पद के जी। तो उनमें से कुछ कैंडिडेट ऐसे भी है जो जनता को आकर्षित करने के लिए, भ्रमित करने के लिए धन बल का प्रयोग कर रहे हैं, और रहा बात जातीय समीकरण में बांटने का कार्य कर रहे हैं। हालांकि इस समूह में सभी जाति धर्म के लोग मौजूद है, तो जनता से क्या कहना चाहेंगे, जनता को कैसे जागरूक करना चाहेंगे? हम तो ये कहेंगे कि हमारा जो भारतीय संविधान जो है किसी खास जाति और किसी धर्म पर आधारित नहीं है, बल्कि ये हमारे ये विश्व के सभी संविधानों में ये संविधानों का गुलदस्ता कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सभी धर्म के लोग निवास करते हैं। हमारा संविधान भी वैसा ही इजाजत देता है, तो मैं उसी के अनुरूप हर कार्य करना चाहूँगा और करता भी हूँ और चलता भी हूँ, और लोगों से मैं सुझाव भी देना चाहता हूँ कि हम उसी का हम पालन करें, चाहे पंचायत से लेकर और देश तक मेरा बिल्कुल सार्वभौम में हो। तो अंत में आप अपने चुनाव चिन्ह को लेकर यहाँ की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हम तो ये तो जनता ही लोगों से अपील कर रही है, हम क्या करें, ये जनता ही करेगी। पुल छाप जिंदाबाद, पुल छाप को जीताना है ना वसुदेव प्रसाद को जीताना है, ये जनता से पूछिए आप। तो अभी तक हम बात कर रहे थे वासुदेव प्रसाद से, जो इस पंचायत में 2001 से 6 तक लगातार मुखिया पद पे शासन करके इस पंचायत का कहीं ना कहीं जो कार्य इन्होंने अभी तक किया है उसको देखते हुए यहाँ की जनता इन्हें अपना समर्थन दे रही है। हालांकि हम बात करें उस समय इस पंचायत में जो कार्य होने चाहिए धरातल पे वो तमाम कार्य हुए थे, और कहीं ना कहीं उससे यहाँ की जनता संतुष्ट थी। और हम बात करें जितने प्रखंड में चुनाव संपन्न हुए हैं, हर जगह बदलाव का लहर चल रहा है। तो सबसे पहले क्या नाम होगा सर आपका? मेरा नाम जमशेद अली, इस पंचायत के पूर्व सरपंच पति जी। तो खवासपुर पंचायत में बदलाव होगा? हम तो अकेले ही चले थे जाने लगे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। रहा सवाल पंचायत की विकास की, तो जितने कैंडिडेट हैं इसमें वासुदेव प्रसाद पे कोई विपक्षी भी आरोप नहीं लगा सकता है, चाहे वो टीचर की बहाली हो या आशा की बहाली हो। अभी जो वर्तमान में निवर्तमान मुखिया हैं उन पे उनसे हमेशा हम सभी पंचायत वासियों से, जो पहले के वोटर थे, सबों से भेदभाव पूर्ण रूप से वो चलाए हैं कि कैसे भेदभाव इनसे किया जाए जो इनमें नहीं है। ये सभी लोगों को एक साथ, छोटे बड़े, गरीब अमीर, सभी को एक साथ लेके चलने वाले व्यक्ति हैं। इनमें ये सत्यता है, ये पूरे आप इस पंचायत के जो जनसैलाब फैला हुआ है इन लोगों से आप पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। तो क्या नाम होगा सर आपका? मोहम्मद इनामुल्लाह जी। तो सभी जाति धर्म का समर्थन वासुदेव जी को मिल रहा है जी, किस उम्मीद पर समर्थन कर रहे हैं आप? इस उम्मीद पर कि वासुदेव प्रसाद का छवि इतना अच्छा है जिसको हम अपने जबान से बयान नहीं कर सकते। आज से नहीं, जब से ये चुनाव लड़ रहे हैं इन पर कोई दाग नहीं है, और सब धर्म के लोग इनको माने पूजा करते हैं, ये समझ लीजिए इनकी इनकी पूजा होती है। और मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि इनका बड़ाई मैं बयान करूं, मेरे पास शब्द नहीं है उतना कि इनका बड़ाई बयान करूं। और इनका एक एजेंडा भी है कि जब इस बार मैं मुखिया अगर बनता हूं तो इस पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने का काम करूंगा। मौजूदा जो चुनाव के लहर ज्यादा सामने आ रहा है, तो क्या नाम होगा सर आपका? मेरा नाम गजेंद्र कुमार हुआ जी। तो खासकर युवा जब पंचायती राज चुनाव में आ रहे हैं तो बदलाव 100% हो रहा है, तो आप किस उम्मीद पर समर्थन कर रहे हैं? हमारे साथ पूरा युवाओं का साथ है, जोश है, जुनून है, और हम बदलाव चाहते हैं। पूरा युवा वासुदेव प्रसाद की तरफ से एकदम तत्पर तैयार है, और इस पंचायत में इनको हम लोग भरपूर समर्थन से लाएंगे। 2006 के बाद 2020 तक कुछ बहाली नहीं हुआ है। अभी जो हमारे वर्तमान मुखिया है इंदिरा आवास में 30,000-40,000 घूस ले रहे हैं, और भेदभाव से ये राजनीति कर रहे हैं, कुछ भी विकास नहीं किए हैं। तो कुछ और इस बार बिल्कुल हम बदलाव चाहते हैं, सिर्फ वासुदेव प्रसाद जी। तो कुछ और हम युवाओं ने ठान रखा है कि इस बार वासुदेव प्रसाद को लाना है तो लाना है। तो बाबा आपका उम्र तो बहुत हुआ जी, बहुत राजनीति देखे होंगे। देखे हैं, इनका जैसा नहीं हुआ जी, इनका जैसा कभी नहीं हुआ। अभी जो हो रहे हैं अभी वो ठीक हो रहा है, लेकिन इनका जैसा कोई नहीं किया। तो इनको अभी समर्थन दे रहे किस उम्मीद? समर्थन मध्य मुखिया को हम लोग दे रहे हैं जी। तो किस उम्मीद पे? हम लोग को बहुत अति करेंगे लगातार 2001 से जनता के बीच रहे अभी तक जी। तो
आप देख सकते हैं जो यहाँ की जनता है, जो यहाँ की इनके समर्थक है, इनके ग्रामीण जनता है, कहीं ना कहीं यहाँ की जनता इनको इस उम्मीद पे समर्थन दे रही है कि इसके पहले हम बात करें इस पंचायत में जो विकास के कार्य 2001 से 2006 के बीच में हुए हैं वो कहीं ना कहीं संतुष्टजनक था। उसके बाद इस पंचायत में देखा जाए तो विकास के कार्य संतुष्टजनक नहीं है, जिसको देखते हुए यहाँ की जनता वासुदेव प्रसाद जी को अपना समर्थन दे रही है और उनसे उम्मीद है कि इस पंचायत का जो विकास रुका हुआ है उसे रफ्तार में लाएंगे और आने वाले 5 साल में इस पंचायत को एक विकसित और आदर्श पंचायत के रूप में सामने लाएंगे। ऐसे ही खबरों के साथ बने क्या बड़े हो चक्कर में।